Hi everyone. First of all, good evening to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर जो जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म लगे थे उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए एक जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक अपडेट यहाँ पे निकल के आई है, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो वैकेंसीज निकाली गई थी इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आउट हो चुका है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एक नोटिफिकेशन निकाला गया था एडवर्टाइजमेंट 5th of 2023, ये 27 अप्रैल 2023 को निकाला गया था, जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया स्कीम एंड सिलेबस फॉर दिस सेट पोस्ट जिसके बारे में बताया गया था। अब इसमें जो है रिटन टेस्ट जो होगा इसका उमर बेस होगा, इसको टेंटेटिवली कंडक्ट किया जाएगा 3rd week of October 2023। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो है पूरा क्राइटेरिया निकाला गया है, स्कीम और सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका जो है निकाल दिया गया है। सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट लिस्टिंग जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें आपके एकेडमिक जो है मेरिट बनाया जाएगा, हायर क्वालिफिकेशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के जहाँ पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, एमफिल के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, पीजी एमफिल फॉर 2 मार्क्स फॉर पीजी एंड 1 मार्क्स फॉर एमफिल जहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बाद पीएचडी के लिए 2 फॉर पीजी एंड 1 फॉर एमफिल एंड 2 फॉर पीएचडी, इस तरीके से आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा ये आपका 75 मार्क्स का होगा, और जहाँ पे आपका टाइप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और टाइप टेस्ट जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का जो है पेपर कंडक्ट किया जाएगा, 75 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, 5 नंबर आपके डिग्रीज के यहाँ पे रखे गए हैं और बाकी जो मार्क्स होंगे आपके उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और उसमें आपके टाइप टेस्ट के नंबर जो है इसको इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ जहाँ पे स्कीम रहेगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट की, जिसमें आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 75 होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट आपके 15 होंगे, और मार्क्स अलॉटेड टू ईच करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी आपकी 0.25 के हिसाब से, और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा इस पेपर के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा सिलेबस होगा ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट के लिए, इंग्लिश जनरल इंग्लिश के लिए आपके टेंसेस होंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, मोडल्स होंगे, आर्टिकल्स, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, इसके साथ साथ यहाँ पे पेर ऑफ वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंट इशूज। अब इसमें आपके क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, इसमें आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे इंडियन हिस्ट्री के, पोलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ जहाँ पे आपका रहेगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड की, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, कैपिटल एंड करेंसीज ये आपकी वर्ल्ड की रहेगी, उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड्स में आपके साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स रहेगा, फर्स्ट इन वर्ल्ड में आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स डिस्कवरीज रहेगी, इन्वायरमेंटल इश्यूज रहेंगे, इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, फूड चेन एंड फूड वेब, विटामिन एंड डिजीजेज रिलेटेड टू विटामिन एंड डेफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ और सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या रहेंगे, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंट इशूज के ऊपर। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपके करंट अफेयर रहेंगे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, नेशनल अवार्ड्स साइंस लिटरेचर और स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जे एंड के यूटी हिस्ट्री इकोनॉमी, उसके बाद यहाँ पे जियोग्राफी के साथ साथ आपके हेरिटेज कल्चर ये आपके सारे करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी यूएन, सार्क, आसियान, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, रिसेंट रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पद्मश्री, खेल रत्न अवार्ड, और उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड साइंस एंड लिटरेचर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट रिज्यूम में आपका रहेगा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, ऑड मैन आउट रहेगा, इसमें आपके डोमेन जो एक रहेगा आपका नॉलेज इसमें रहेगा आपका ऑफिस प्रैक्टिस एंड सेक्रेटेरियल ड्यूटीज, जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स, लीव रूल्स रहेंगे, आरटीए एक्ट रहेगा आपका, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस एक्सेस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और ईमेल एंड इंटरनेट। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया निकाल दिया गया है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जहाँ पे मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा जितने भी कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को फिलअप किया है, आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो 3rd week होगा October 2023 के अंदर इसका, यानी कि 10th month में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और ये आपका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है किस किस तरीके से आपको किस कितनी कितनी डिग्री के यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे, आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका जहाँ पे टाइप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इस तरीके से, आपका जो 100 मार्क्स का जहाँ पे टोटल मिला के 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे,
और इसका शेड्यूल जो है निकाला गया है, पूरा सिलेबस इसका भी इसके साथ साथ निकाला गया है। तो ये अपडेट है आज जम्मू, अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका निकाल दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।